तो भाई अब आते हैं आपके एक बड़े फेज ऑफ लाइफ पे जहां से मतलब आपने बहुत सारी इमेंस पॉपुलैरिटी गेन करी और उसका सीधा सीधा पहले क्वेश्चन ही ये डाल देते हैं सारी क्योंकि सबने देखा आपको शो में क्या उस शो में घुसना स्क्रिप्टेड रहता है वो पैसे लेते हैं क्योंकि ऐसे हमने आर्टिकल्स पढ़े और सुना भी है काफी कि जितने पैसे देंगे उतने वोट आउट्स तक आगे तक फिनाले तक जाओगे तो वो आप क्लियर कर दो सीन का क्योंकि आपने खुद वो शो करा भाई रोडीज में मैं फिनाले तक रहा हूँ और अगर रोडीज़ की बात की जाए पैसों की तो मैं उस टाइम में पुलिस में जॉब करता था मेरे पास आज भी वो पे स्लिप रखी है जो मुझे अमाउंट मिलता था दो में पंद्रह में तो मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं भैया मैं किसी को दूँ और मैं उसे फिनाले तक पहुँचूँ सबसे पहली बात जब मैं रोडीज़ में गया तो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता उसकी लिमिट भी ख़त्म हो गई थी मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े खरीदे तो ये मित है मेरे लिए तो क्योंकि मैं गया हूँ बिना पैसों के तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है क्योंकि आम आदमी कोई भी जा सकता है और मेरे साथ में एक दो और ऐसे भी थे जिन्हें मैं जानता था जिन्हें घर में कुछ ऐसा खास था नहीं कि वो पैसे दे के आगे जाए और भाई जो भाई। आप शूट करते थे सॉरी जो आप शूट करते थे और जो एडिट होके फाइनल एपिसोड आता था क्या उसमें आपने कोई डिफरेंस देखा है कि कहते हैं ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं इन अ वे मैंने ये सुना है

वो एडिटिंग में और वो डायरेक्शन टीम के पास वो प्रोडक्शन टीम के पास पावर होती है कि किसे हीरो बनाना है किसे विलन बनाना है ये हर एक रियलिटी शो की कहानी है अगर मैं चाहूंगा मैं मालिक हूं तो मैं तेरे को हीरो भी दिखा सकता हूं और मैं तेरे को विलन भी दिखा सकता हूँ क्योंकि चौबीस घंटे में से मुझे क्या एडिट करना है क्या दिखाना है वो मेरे ऊपर है तो जब रोडीज में टास्क के बाद में बातें होती थी दो कैमरामैन हर टाइम मुंह पे यूं कर रहे तो अगर हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपका आउड़, आउड़, वोट आउट करने के लिए तो ऑलरेडी उनको पता है अगर आप शो में अच्छे हो और आपको उनको रोकना है तो वो कुछ ऐसा ट्विस्ट ले आएंगे जिससे आप बच जाओगे तो ये ये एक वो देखो ये गलत नहीं है क्योंकि आदमी पैसे लगा रहा है एक आदमी एक कहानी जनरेट कर रहा है तो वो किरदार उसके कहानी के अकॉर्डिंग उसकी टीआरपी के अकॉर्डिंग वो बैठने चाहिए ना भाई क्योंकि भाई ऐसा भी मैंने सुना है कि फॉर एग्जांपल एक, एक वो बहुत हो रहा है मैं ना जब मैं रोडीज में था तो मुझे ऐसा नेहा ने बताया था उस टाइम पे कि तू ना बाहर बहुत वायरल है उस टाइम पे फेसबुक होता था इंस्टाग्राम इतना वायरल नहीं था तो इंस्टाग्राम से ज्यादा व्हाट्सअप पे वीडियोज जाती थी तो मेरे को यह बताया गया है कि रूबल हंड्रेड फिक्स है जीतने वाला इशू तो हर जगह पे मेरा आज भी अगर मेरे ऑडिशन की वो डलती है तो भाई, मैं, है। मैं बोलने वाला था, मैंने बीच में नहीं काटा आपकी ऑडिशन की क्लिप अब भी फेसबुक पे आ जाती है चालीस चालीस सौ सौ मिलियन व्यू आज भी उस पर आते रहते हैं उसका रीजन क्या है कि वो जब से लेके आज तक एक यूनिक था तो जब मैं रोडीज में था तो मुझे ऐसी कोई हेल्प नहीं मिली कि मुझे वो जिता रहे बल्कि मेरे से एक टास्क में गलती हुई और मैं बाहर हो गया तो ऑलरेडी उन्होंने मुझे बाहर कर दिया अच्छा मुझे कोई फेवर नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि उन्हें लगेगा कि ये वर्तट है तो करेंगे बाहर क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक पार एक पार मैं एक मैं अंदर की बात यहाँ पे रिवील कर देता हूँ भैया हाँ। अब हम चार जने हैं ये शो हमारा चल रहा है अब हम इसमें कितने घंटे का दिखाएं वो हमारे ऊपर है हमारे पास वॉच है वहाँ पे वॉच निकाल लेते थे तो हम चारों भाग रहे हैं कौन पहले कितने सेकंड में आया कुछ नहीं पता तो ये तो होता है हर रियलिटी शो में होता है।